प्यारे बच्चों, क्लास 8 मैथ चैप्टर 9 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 9.4 करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेटरल एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशंस। ये डायमेंशंस दिए, जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड तो वैसा ही है। लो फर्स्ट पार्ट, लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट होती है लेंथ होती है, सेकंड ब्रेड्थ, थर्ड हाइट होती है। 5 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, हाइट है 4 सेंटीमीटर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, जो एरिया ऑफ फोर वॉल्स का, वही फार्मूला जो हमने किया था, 2 × 2 × h × l + bj। ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हाइट हो गई। वैल्यू पुट कर दो, 2h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, लेंथ 6 है तो ब्रेड्थ 5 है। 6 + 5, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना, 2 × 2 = 4 = 8 हो गए ना। 6 + 5 = 11, 11 × 8 = 88 सेंटीमीटर स्क्वेयर लेटर सरफेस एरिया आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये फार्मूला हमने किया था क्यूबॉइड का, 2 × लेंथ ब्रेड्थ + ब्रेड्थ × हाइट + हाइट × लेंथ। लो वैल्यू पुट कर दो, 2 × 6 × 5 = 10 × ब्रेड्थ + ब्रेड्थ × हाइट, 5 × 4 + हाइट × लेंथ, 4 × 6। तो इसे सॉल्व कर लो, 6 × 5 = 30, 5 × 4 = 20, 6 × 4 = 24 इनको ऐड कर दो, 2 × 74 बन गया। ऐड करके इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 148 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया टोटल सरफेस एरिया। आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, ये भी वैसा ही है, थर्ड अपने आप कर लेना, सिर्फ जहां डिमेंशंस में फर्क है। लेंथ 15 दी हुई है, जहां ब्रेड्थ 12, हाइट 8 मीटर, जहां मीटर में या लेटर सरफेस एरिया होगा 2h × 12 + b, h 8 पुट कर दो, 2 × 8 + लेंथ + ब्रेड्थ 15 + 12, इनको ऐड करके 2 × 8 = 16, इनको ऐड किया 27, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे 432 मीटर स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये फार्मूला 2 × लेंथ × ब्रेड्थ + ब्रेड्थ × हाइट + हाइट × लेंथ, ये ब्रैकेट में है। वैल्यू पुट कर दो, लेंथ है 15, ब्रेड्थ है 12, 15 × 12, आगे ब्रेड्थ इंटू हाइट 12 × 8 + हाइट × लेंथ 8 × 15, 8 × 15 आ गया। बस इसे मल्टीप्लाई कर लो, ये 180, इन्हें 12 × 8 = 96, 15 × 8 = 120। इनको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, इनको ऐड करोगे 396 बन के, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 792 मीटर स्क्वेयर ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फाइंड द लेटरल एंड टोटल सरफेस एरिया क्यूब। क्यूब उसे कहते हैं जिस क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम हो, उसे हम क्यूब कह देते हैं। जैसे मैंने बताया था, ये डाइस है, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, कहने का मतलब जो सभी एजेस है ना, इनको एजेस बोलते हैं, 12 एजेस होते हैं ना इसमें किनारे, ये सभी बराबर है तो ये क्यूब बन जाता है। तो फिर डिमेंशन एक ही चाहिए होती है हमें, जैसे लेंथ इसकी दी हुई है हमें एक, जो एज दिया हो, एज कोई हम साइड साइड भी कह देते हैं, लेंथ भी लिख सकते हो आप, एज भी कह सकते हो आप। तो इसे मैं एल से डिनोट कर दिया, एज को कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये फार्मूला याद रखना, 4 × l². देखो ये फार्मूला कैसे बना, 4l² ये एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया, जो लेटर सरफेस एरिया क्यूबॉइड का था ना, जहां हमने लिखा, जो हमने किया भी था 2h × l + b, जहां से बना लेते हैं। अब h = l = b है, क्यूब की सभी साइडें बराबर है, लेंथ भी इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट, इसे हम l से डिनोट कर देते हैं, 2 × l + l, तो ये बन गया 2l। इन दोनों को ऐड करोगे तो 2l, देखो 2 × 2 = 4, 4l² बन गया, वही हमने लिखा है, 4 × h का स्क्वायर लिख लो चाहे। चलो l की वैल्यू हमें, h की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब करना, तो ये 6l² फार्मूला, वो भी आप जहां से बना सकते हो। देखो कैसे, ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट एक जैसी है, जे बी एल स्केयर बन गया, जे बी एल स्केयर, जे बी एल स्केयर, एल स्केयर प्लस एल स्केयर प्लस एल स्केयर कितना बन गया, 3l²
तो 3 L² इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 L² जो बनेगा। तो जहाँ 6 L² ये जो एज की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर 64 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। आगे सेकंड पार्ट ये भी कर लेते हैं, ये थर्ड अपने आप करना। जहां मिलीमीटर है जरा यूनिट का ध्यान रखना, जहां सेंटीमीटर है जहां मीटर है यूनिट ठीक लगाना। जहां एज 12 मीटर दिया हुआ है अब सेम ही है, लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4 L² एल की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर 4 × 12 का स्क्वायर 144 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दो 576 मीटर स्क्वेयर आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वही 6 L² वाला ही फार्मूला, 6 L² 6 × L की वैल्यू एज की लेंथ दी हुई है हमें 12 मीटर, 12 का स्क्वेयर 144 होता है, इसे 6 से मल्टीप्लाई करो तो 864 मीटर स्क्वेयर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया। क्वेश्चन 3, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हूज सरफेस एरिया इज 2400 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सरफेस एरिया दिया टोटल, तो मैंने लिख दिया पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 2400 सेंटीमीटर स्क्वेयर। लेट द साइड ऑफ क्यूब, तो क्यूब की हमें एक साइड दी हुई है उसे हमने एल मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है वो किसके बराबर आ जाएगा, अगर इसकी साइड एल माने तो 6 L² ही आ गया ना, तो वो हमें ये दिया हुआ 2400, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया एक जैसे ही हुए, तो 6 डिनोमिनेटर में ले जाओ इसे काट दो, 6 × 24 = 2400 आ गया। तो अब इसका एल की वैल्यू निकालनी है, साइड की वैल्यू, तो स्केयर रूट जब जा स्केयर हटाओगे तो इधर स्केयर रूट पड़ जाना, ये याद रखना आपने। स्क्वेयर रूट ऑफ 400 वो आपको पता ही है 20 होता है, 20 × 400 होते हैं ना, तो 20 सेंटीमीटर आ गया, सीधा ही पता चल जाता है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो साइड ऑफ क्यूब कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है, नीतू पेंटेड द आउटसाइड ऑफ अ कैबिनेट ऑफ मेजर 3 × 2 × 1.5 मीटर की कैबिनेट होनी है, हाउ मच सरफेस है, क्यूबॉइडल टाइप है ना कैबिनेट, हाउ मच सरफेस एरिया शी कवर्ड इफ शी पेंटेड ऑल द कैबिनेट एक्सेप्ट बॉटम। ये मान लो हम कैबिनेट बना लेते क्यूबॉइडल, ये बॉटम है नीचे, इसे नहीं इसने पेंट करना, पेंट चारों तरफ और ऊपर करना है। तो कैसे फार्मूला बनना, टोटल एरिया ऑफ कैबिनेट विच इज पेंटेड, तो क्या बना लेटर सरफेस एरिया इसके इर्द गिर्द का सरफेस एरिया, जैसे ये फिगर बनाई थी हमने क्यूबॉइडल टाइप, जे इसके इर्द गिर्द का एरिया, बॉटम छोड़ देनी है टॉप लेनी है जे ऊपर इर्द गिर्द, तो ये बन जाना लेटर सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप बन गया ना जिसे पेंट करना। ऐसे आपने लिख लेना टोटल एरिया ऑफ कैबिनेट विच इज पेंटेड इक्वल टू लेटर सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप। लेटर सरफेस एरिया का फार्मूला पता ही है 2H × L + B + L × B। अब वैल्यू पुट कर दो, जान दी हुई है 2 × 1.5 ब्रैकेट में 3 + 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ एल 3 × 2। जो एरिया ऑफ टॉप है ना वो किसके बराबर है, एल इंटू बी के, क्योंकि नीचे वाली रेक्टेंगल जो बन रहा है बेस वही एरिया ऑफ टॉप होता है वही एरिया ऑफ बॉटम होता है क्यूबॉइड में, तभी इसने ऐसे लिखा। इसे अलग लिखना पड़ा ना, जो 4 वॉल्स का हो गया प्लस इसे भी ऐड करना था ना बीच में, इसे भी पेंट करना था। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर इसे मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो बनता 3.0 है ना, तो मैंने 3 लिख दिया क्योंकि ये 0.0 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को ऐड करो 5 + 3 = 6। अब पहले मल्टीप्लीकेशन को हल करना, 3 × 5 = 15 + 6 तो 21 मीटर स्क्वेयर आ गया। जो एरिया पेंट होगा वो कितना होगा कैबिनेट का, 21 मीटर स्क्वेयर। आगे फिफ्थ पार्ट, अशमा पेंटेड हर रूम ऑफ मेजर 15 × 12 ×7, हाउ मच सरफेस एरिया डिड ही कवर इफ ही पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द फ्लोर। ये फ्लोर छोड़ देना, ये भी वैसा ही है क्वेश्चन, जहां बॉटम जैसा ये क्वेश्चन है जहां फ्लोर लिख दिया बस इतनी बात है, तो वैसे ही फार्मूला बन जाना हमारा लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ विच इज पेंटेड 2 × H (L + B). ये तो फार्मूला आ गया एरिया ऑफ लेटर सरफेस एरिया, अब इसको ऐड करना ऊपर वाले को, जे वाले को, इसमें भी पेंट होना ना,
प्लस एल इन टू बी। लो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, टू एच की वैल्यू 7 है, एल प्लस 15 प्लस 12, 15 इंटू 12 प्लस, तो अब 2 7 14 14, 15 प्लस 12 27, इनको ऐड करोगे तो 180 बन गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये बनता 378, 14 7 98, 14 2 2 28 9 37, 378 प्लस 180 इनको ऐड करोगे 558 मीटर स्क्वेयर आ गया। इतना एरिया पेंट किया उसने, इफ ही पेंटेड ऑल, ये पेंट कर दिया है, इतना एरिया पेंट किया 558 मीटर स्क्वेयर।